अपनी पहली खबर की और बात करेंगे हाथरस में सेलेक्टिव सियासत की कि आखिर ये सेलेक्टिव सियासत हाथरस में क्यों है, क्योंकि जब से ये भगदड़ हुई है और 121 लोगों की मौत हुई है उसके बाद से ये जो सियासत है उसकी शुरुआत हुई है। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। नारायण साकार हरी के आयोजन में उनके पैर छूने पर मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में जो बाबा है वो फरार है। भगदड़ के बाद इलाके में खुद को भगवान बताने वाले बाबा की चर्चा जोरों पर है। समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा के पास वोट है तो नेता और प्रशासन पर सवाल उठाते हैं वो। वोट बैंक के कारण साकार हरी पर बोलने से बचते हैं नेता और प्रशासन पर सवाल उठाते हैं क्योंकि साकार हरी के पास वोट बैंक है। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा इन्हें तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, प्रशासन की साथ ही साथ खामियां गिनाई। राहुल गांधी ने कहा कि घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा गए। उन्होंने कहा कि सारी कमी जो है, गलती जो है, वो पुलिस प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है। वही सपा नेता अखिलेश यादव ने साकार हरी के दरबार में जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ और लोगों की मौत के लिए यूपी पुलिस जिम्मेदार है, तो यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया अखिलेश यादव ने। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने इसे गंभीर घटना मानने से ही इनकार किया, कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, राहुल गांधी की सेलेक्टिव सियासत की अपनी वजह है। क्या है इस सेलेक्टिव सियासत की वजह, यह भी समझने की जरूरत है। अभी जहरीली शराब पीने से तमिलनाडु में दर्जनों लोगों की मौत हुई लेकिन राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, वो उस पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन हाथरस हादसे में उनका तंज सामने आया है। हादसों पर इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स से नुकसान सिर्फ आम लोगों को होता है, पीड़ितों को होता है। हाथरस में लोग गुमराह हुए हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अंधविश्वास को धता बताना ये एक सभ्य समाज का काम है। इस बीच भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर गठित SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। CM योगी ने हाथरस हादसे में घायलों को तुरंत इलाज और दूसरी सहूलियत की व्यवस्था की है। यूपी सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, 6 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, दर्जनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की है लेकिन बाबा फरार है। साकार हरी बाबा पर कई मुकदमे दर्ज हैं और बाबा खुद को भगवान साबित कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के लिए जुडिशियल कमीशन भी गठित किया है। बड़ा सवाल है, समाज को भ्रम जाल में फंसाकर गुमराह करने वालों को क्या किसी नेता का संरक्षण मिलना चाहिए? क्या नेताओं को इन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? बड़ा सवाल है कि समाज को भ्रम जाल में फंसाकर गुमराह करने वालों को क्या किसी नेता का संरक्षण मिलना चाहिए? तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब अगर तमिलनाडु से लेकर के और कर्नाटक में और दूसरी जगहों पर अगर कोई घटना होती है, अभी देखिए शराब पीकर मरने वालों की हूच ट्रेजिडी में कुछ लोगों की मौत हुई लेकिन उस पर राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन वो हाथरस पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पीड़ित थे उनकी बात कही उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ जो प्रशासन था उस पर सवाल उठा दिए। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सबसे पहले ये सुनाते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और इस हादसे के पीड़ित क्या कुछ कहते हैं, आइए उनको उनकी बात भी हम आपको सुनाते हैं। पूछ रहे थे आपकी माँ थी कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी तो घटना किस तरह हुई, मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी, चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए, वो बोल के चले गए कि आप जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा, तुम बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बड़ा दिलचस्प ये कहे कि एक शॉकिंग बयान दिया है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए हादसा तो हादसे ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। तो हादसा तो हादसा ही होता है, सबरीमाला में हुआ, और जगहों पर होता है, हादसा तो होता ही रहता है। ये जो
संवेदना है उसको समझने की कोशिश है। फिलहाल उन्हीं के पार्टी के मुखिया, उनके भतीजे अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। अखिलेश जी, रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कोई जनसभा संबोधित कर रहे हो, पीछे ढेर सारे लोग बैठे हैं। जब वो सवाल पूछते हैं, अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उस पर यह कहा जाता है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और उनके साथ में खड़े लोग जो हैं वो तालियां बजाते हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा, वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में नीरज सिंह जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ में हाथरस से। नीरज, आपके पास आएंगे फोन लाइन पर, नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे अभी तक क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ हाथरस से आप जानकारी हमको देंगे। देखिए, अभी तक अपडेट ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो अभी भी कई सारी जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जो सेवादार हैं और जो उनके कह सकते हैं कि जो करीबी लोग हैं जिन्होंने आयोजन की अनुमति ली थी, जो मुख्य सेवादार है उसको ढूंढने के लिए जो पुलिस है वो जगह जगह छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रही है। आज राहुल गांधी भी पहुंचे थे और अलीगढ़ राहुल गांधी आए, इसके अलावा हाथरस में भी जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। राजनीतिक बात ना कहने की बात राहुल गांधी ने कही कि वो यहाँ पर आए हैं लेकिन राजनीतिक बात नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने बाबा जो सेवादार और जो आयोजक हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति राहुल गांधी यहाँ पर करके गए, क्योंकि पूरे आप देख रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि बाबा की जिम्मेदारी थी, बाबा अगर लोगों के कष्टों को दूर करता था तो जब कष्टों में लोग पड़े हुए थे तो उस समय बाबा भाग के क्यों चला गया, उसके सेवादार क्यों छुपे हुए हैं, जो जिन्होंने आयोजन की जो अनुमति ली थी वो तमाम लोग कहाँ भाग गए। 6 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग हिरासत में है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जो SIT है वो आज अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देगी। उस SIT ने तमाम लोगों से बयान लिए हैं, तमाम लोगों से पूछताछ करी है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, तहसीलदार, SDM, पुलिस के कर्मचारी, SHO, दरोगा, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के नर्स से लेकर डॉक्टर, तमाम कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी, उन सभी से लंबी पूछताछ करके उनके बयान दर्ज किए हैं, ये चिन्हित किया है कि किन किन लोगों ने गलतियां की हैं, किन किन लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभाई है, और वो सारी रिपोर्ट शासन को आज उम्मीद की जा रही है कि वो भेज देंगे। और उसके बाद जो जानकारी जैसी कि हमें मिली है कि उसके बाद बड़े पैमाने पर जो तमाम कर्मचारी हैं उनके खिलाफ शासकीय कार्रवाई शुरू होगी। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी दोषी है, चाहे जो सरकार में बैठे लोग हों, प्रशासन के लोग हों, और या जो जिन्होंने आयोजन की जिम्मेदारी उठाई थी, उनमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इंतजार यही किया जा रहा है कि शासन के पास SIT की रिपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार उस पर एक्शन लेगी। जी बिल्कुल, और SIT जो जांच रही है उसमें उसका क्या जो है निष्कर्ष है वो उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस पूरी चर्चा में हम विनोद मिश्रा जी को भी जोड़ेंगे। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से नाना करते हुए कि सियासत नहीं करनी चाहिए, हम एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए क्योंकि 121 लोग की मौत हो गई, लेकिन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो जो साकार हरि बाबा हैं उनके बारे में, जो उनके सेवादार हैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन UP सरकार और प्रशासन के ऊपर सवाल उठा गए राहुल गांधी, ये किस तरह की सियासत है? निखिल, मैं अगर आप कहूँ आपकी रिपोर्ट से तो ये सिलेक्टिव सियासत की एक इंतहा है। सेलेक्टिव सियासत मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका बनती है, उनको जाना चाहिए और जाके वहां लोगों के साथ संवेदना उनको व्यक्त करना चाहिए जो उन्होंने किया है। लेकिन सवाल सेलेक्टिव सियासत की बात है, जो आप अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स के बाइट आपने सुनाया उसमें आप ये देखिए कि हर कोई जो पार्टी के नेता है विपक्ष में वो अपनी अपनी बात को स्कोर करने में लगे हुए हैं। उन्हें बाबा से लेना देना नहीं है, उनको UP गवर्नमेंट को टारगेट करना है। अखिलेश यादव को यह सवाल कितना असहज लगता है कि जब उनके चाचा रामगोपाल यादव पार्टी के महासचिव हैं, वो कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, ऐसे ही हादसाएं तो देश में होती रहती है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि एक मासूम समाज जो है
उस समाज में एक ठग, मैं ठग कहूंगा कि 2000 से लेके वो एक पुलिस कांस्टेबल है साकार हरी, और उस पे ये पुलिस केस के दर्जनों मुकदमे हैं यूपी में, वो अचानक एक दिन एक सेल्फ मेड गॉड बन जाता है, वो कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा नया अवतार है। और चर्चा आगे जारी रखेंगे, फिलहाल लिए चलेंगे आपको विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर